हेलो एवरीवन, इसी लेनिनजर की सीरीज़ में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और पेज बाय पेज हम हर एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग प्रोटीन विथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मास जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से। तो आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। द मास स्पेक्ट्रोमेट्री हैज़ लॉन्ग बीन एन इंडिस्पेंसिबल टूल इन केमिस्ट्री। तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ये बहुत ज़्यादा जो है केमिस्ट्री में यूज़ होता था। मॉलिक्यूल्स टू बी एनालाइज्ड रिफर टू एज एनालाइट्स, और जिन मॉलिक्यूल्स का यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स को हमको एनालाइज करना है उनको हम एनालाइट्स कहते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, पहले आयनाइज़ करते हैं वैक्यूम में, और वैक्यूम में आयनाइज़ करने के पीछे ये रीज़न होता है ताकि वो किसी भी तरीके से एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए और उनका फर्दर क्या है ऑक्सीडेशन ना हो या फिर उनका रिडक्शन ना हो या कोई और रिएक्शन ना हो, इसीलिए उनको वैक्यूम में आयनाइज़ कराया जाता है। When the newly charged molecule are introduced into an electric or magnetic field, अब क्या किया, हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उसको हमने किसकी हेल्प मतलब उसको हमने वैक्यूम में आयनाइज़ कराया। तो अब ये आयनाइज़ जो मॉलिक्यूल है हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनमें इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करके क्या हो रहा है, इनका जो पाथ है वो क्या हो रहा है, मतलब जो पाथ है इनका जो फील्ड है वो जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मतलब कि उसका जो मास टू चार्ज रेशियो है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। सो दिस मेजर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द आयनाइज्ड स्पीसीज कैन बी यूज्ड टू डिड्यूस द मास ऑफ द एनालाइट विथ वेरी हाई प्रेसिशन। तो अब हमें यहाँ से ये जो आयनाइज्ड स्पीसी है इसका हमें मास अपॉन चार्ज रेशियो हमें पता चल जाता है बहुत ही एक्यूरेटली। देन ऑल्दो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हैज़ बीन इन यूज़ फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि ये जो चीज़ है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की ये बहुत 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 सालों से यूज़ हो रही है। इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। हम इसे आज की डेट में भी प्रोटीन्स में या फिर न्यूक्लिक एसिड में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो है ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, बहुत सालों से यूज़ हो रही है, फिर भी हम इनको न्यूक्लिक एसिड में या फिर प्रोटीन्स में यूज़ नहीं कर सकते। द एम अपॉन जेड यानी कि मास अपॉन चार्ज जो रेशियो है, मेज़रमेंट आर मेड ऑन मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज, क्योंकि ये जो है ये हम गैस फेज पे हम निकालते हैं। एंड द हीटिंग और अदर ट्रीटमेंट नीडेड टू ट्रांसफ़र अ मैक्रो मॉलिक्यूल टू द गैस फेज यूजअली कज इट्स रैपिड डिकम्पोजिशन। तो ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है प्रोटीन्स में और न्यूक्लिक एसिड में करना, या फिर हम इसको क्यों नहीं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में करते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि केमिस्ट्री में हम जब इसको अप्लाई कर रहे थे तो हम गैसियस फॉर्म में इसको क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, और गैसियस फॉर्म में हम इसको अप्लाई कर रहे थे तभी तो हम एक वैक्यूम लगा रहे थे ताकि कोई और गैस इसके साथ मिक्स ना हो और यही गैस रहे आयनाइज होने में। तो लेकिन एक 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 अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो बड़ा होता है, उसको गैसेस में चेंज करने में वो क्या कर हो जाएगा, रैपिडली डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर CO2 बना देगा, H2O बना देगा। तो फिर अब इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए क्या हुआ, इन 1988 टू डिफरेंट टेक्निक्स वर डेवलप्ड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स जो थी वो आई मार्केट में, और वो टेक्निक्स क्या थी, इन वन तो हमारे पास जो है प्रोटीन वो किस चीज़ में प्लेस हुए, वो लाइट एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स में हमने उनको प्लेस किया विद अ सॉर्ट प्लस ऑफ लेज़र लाइट, और हमने उनको क्या प्रोवाइड की, उस प्रोटीन को हमने लाइट मतलब लेज़र लाइट प्रोवाइड की। द प्रोटीन आर आयनाइज्ड एंड देन डिसॉल्व्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू वैक्यूम सिस्टम। फिर क्या किया, हमने एक मतलब लाइट एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स यानी कि हमने एक सरफेस लिया, जैसे हमने एक सरफेस लिया, ये क्या था, लाइट एब्जॉर्बिंग सरफेस था, इसके ऊपर हमने क्या रखा, हमने इसके ऊपर प्रोटीन रखे,
और इसमें हमने क्या किया, लेज़र लाइट से लाइट डाली और इसको हमने क्या किया कि ये एब्जॉर्ब करे लाइट। जब इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो फिर हमने इसको यहाँ से किस चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया, हमने इसको वैक्यूम में ट्रांसफ़र कर दिया। दिस प्रोसेस नोन एज मैट्रिक्स मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये जो एक प्रोसेस थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, पहले उस प्रोटीन को एक लाइट एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स में रख रहे थे और फिर उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर दे रहे थे, वैक्यूम में ट्रांसफ़र कर दे रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन और आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, MALDI-MS। तो अब ये क्या है, ये है कि हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू मेज़र द मास ऑफ वाइड रेंज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, ये बहुत वाइड रेंज में जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए, सक्सेसफुली स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। इन अ सेकेंड एंड इक्वली सक्सेसफुल मैथड मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन आर फोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम द लिक्विड टू गैस फेज। तो अब इसमें सेकेंड चीज़ क्या है कि जो इक्वल और सक्सेसफुल मैथड है वो ये है, मतलब इसी मास जो ये आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के इक्वली जो एक दूसरा तरीका हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दूसरा तरीका जो है ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक मैक्रो मॉलिक्यूल का एक सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर इस सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली इस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो अ सॉल्यूशन ऑफ एनालाइट एनालिटिक्स इज पास्ड थ्रू अ चार्ज्ड नीडल दैट इज़ कैप्ड एट हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो अब ये जो एनालिटिक्स हैं इनको हम क्या करते हैं, बहुत हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखते हैं, डिस्पर्जिंग द सोल्यूशन इंटू अ फाइन मिस्ट ऑफ चार्ज्ड माइक्रो ड्रॉपलेट्स। और फिर हम इनको चेंज करते हैं, इस सोल्यूशन को हम चेंज करते हैं बहुत ही फाइन मिस्ट में, मतलब कि एक बहुत ही फाइन जो है माइक्रो ड्रॉपलेट में चेंज करते हैं। द सॉल्वेंट सराउंडिंग द मैक्रो मॉलिक्यूल रैपिडली इवेपोरेट्स। तो फिर क्या होता है कि ये जो सॉल्वेंट होता है जो इस मैक्रो मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में होता है वो रैपिडली इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन के बाद मतलब ये जो सॉल्वेंट है वो तो इवेपोरेट हो गया, तो जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया तो क्या चीज़ बची, जो चीज़ बची वो थी वो चार्ज्ड मैक्रो मॉलिक्यूल का आयन। फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एक गैस फेज जो है इसका ये बन गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर इसको हम कहते हैं ESIMS। और इससे पहले वाली जो हमने डिस्कस की थी वो थी MALDI, दैट इज़ MALDI-MS, MALDI-MS, और ये क्या है SEMS। तो उसके बाद जो है हमारा क्या है कि प्रोटोन एडेड ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द नीडल गिवन एडिशन चार्ज टू द मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रोटोन्स हैं जो हमने ऐड किए हैं, मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं इस नीडल से, ये क्या है, ये इस चार्ज के एडिशन में इस मैक्रो मॉलिक्यूल के, द एम अपॉन जेड ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी एनालाइज्ड इन द वैक्यूम चैम्बर। और ये जो एम अपॉन जेड है मॉलिक्यूल का, ये हम इस वैक्यूम चैम्बर में क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रोवाइड्स अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटियोमिक्स रिसर्च। ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हमें बहुत अच्छी लेवल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, जब हम किसी प्रोटियोमिक्स रिसर्च यानी प्रोटीन्स के ऊपर जब हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जब हम इंजाइमोलॉजी यानी इंजाइम्स की स्टडी कर रहे हैं, एंड प्रोटीन केमिस्ट्री इन जर्नल, या फिर हम प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जर्नली, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। द टेक्निक रिक्वायर ओनली माइनिसल्स अमाउंट ऑफ सैम्पल। इस टेक्निक के लिए हमें बहुत मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, सैम्पल की नीड होती है। सो दे कैन बी रेडिली अप्लाइड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और फिर क्या है कि थोड़े से अमाउंट में हमें चाहिए इसको, तो हम थोड़े बहुत प्रोटीन में क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टू डायमेंशनल इलेक्ट्रो फोटो
जेल, फिर हमें हम इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम जो दो डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोट्रिक जेल है वहाँ से, द एक्यूरेटली मेजर्ड मोलिकुलर मास ऑफ अ प्रोटीन इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल पैरामीटर इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो हम एक्यूरेटली मेज़र कर रहे हैं जो मॉलिक्यूलर मास है प्रोटीन्स का उसे, और ये क्या होता है, ये क्रिटिकल पैरामीटर होता है इसके आइडेंटिफिकेशन में। वंस द मास ऑफ अ प्रोटीन इज़ एक्यूरेटली नोन, एक बार हमें इस प्रोटीन का मास एक्यूरेटली पता चल गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ अ कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट मेथड फॉर डिटेक्टिंग चेंज इन मास। तो अगर हमें एक बार सक्सेसफुली ये पता चल गया कि मास जो है प्रोटीन का मास क्या है, तो इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई मास में चेंज हुआ या फिर कुछ भी तरीके का उसमें या तो रिडक्शन हुआ या फिर इंक्रीजिंग हुआ, हम उसको यहाँ से एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। टू द प्रेजेंस ऑफ बाउंड को फैक्टर्स, बाउंड मेटल आयन कोवलेंट मॉडिफिकेशंस एंड सो ऑन। तो अगर उस प्रोटीन में कोई भी किसी भी तरीके का कोई मेटल आके बाउंड हो रहा है या फिर कोई भी कोवलेंट मोडिफिकेशंस हो रहे हैं, तो वो सब के सब सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास हमें दिया हुआ है द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। तो हम ESIMS जो हमने सेकंड वाला मेथड पढ़ा था उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो हमें इस फिगर में दिया हुआ है। तो हम एक हाई वोल्टेज लेके हम क्या कर रहे हैं, गैस कैपिलरी को इस सॉल्यूशन पे डाल रहे हैं, ये वैक्यूम में इंटरफेयर कर रहा है, मतलब घुस रहा है, और फिर हमें यहाँ से एक्यूरेटली उसका पता चल रहा है। तो ये जो फिगर वन है इसमें हम हमें क्या है, जो ये गैस फेज है ये इंजेक्ट हो रही है, इसमें जो प्रोटीन है वो एक्यूरेट वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है जो वेरिएबल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो पॉजिटिव चार्ज हैं सॉल्वेंट से उन्हें। दिस क्रिएट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीसीज विथ डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। और ये जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है जो मास टू चार्ज रेशियो है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, ईच सक्सेसिव पीक करस्पॉन्ड्स टू अ स्पीसीज दैट डिफर फ्रॉम दैट। और ये जितने भी सक्सेसिव पीक हैं हमें जो मिल रहे हैं यहाँ से, वो क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो हमें यहाँ पे जो है रिलेटिव इंटेंसिटी हमें पता चल रही है, ये एम अपॉन जेड जो रेशियो है ये ऐसे है और ये रिलेटिव इंटेंसिटी इस तरीके से है। तो हमें दी हुई है यहाँ पे ये जो है पहला फिगर है उसमें हमको एक प्रोटीन जो सोल्यूशन है उसे हमने क्या किया, एक निडल के थ्रू मतलब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने उसको इन्फ्लुएंस करवाया, और फिर ये जो ड्रॉपलेट है ये क्या कर रही है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एम अपॉन जेड से मेज़र कर रही है। अब उसके बाद सेकंड जो है ये एक पीक है जो हमें क्या मिल रही है, सक्सेसिव पीक जो हमें मिल रही है जो चार्ज स्पीसीज की हैं, ये है इंक्रीज है मास और चार्ज का रेशियो में, और ये जो कंप्यूटर है ये जनरेट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ जो इसकी नेबरिंग पीक है चार्ज डिफरेंस की वो वन है और मास डिफरेंस भी वन है। तो जो मास होगा इस प्रोटीन का जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन दो नेबरिंग पीक का, वो हमें इस तरीके से दिखा हुआ है। और जो मास है प्रोटीन का N2 का, अब एक का मास अगर हमारे पास N2 है और दूसरे वाले का N2+1 है, तो हमने ये लिया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमें दो अननोन मासेस हैं, एक एम है और एक N2 है, और ये क्या है, इक्वेशन है दो। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है, सो नाउ वी नो दैट वी हैव टू अननोन दैट इज एम एंड N2, एंड हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनको हम फिर सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एम और एन एम और जेड का जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो एक सिंगल पीक का वो। तो इसमें हमें यही चीज़ थी कि हम क्या कर रहे थे, हम ये चीज़ ऑब्टेन कर रहे थे कि जो प्रोटीन का सीक्वेंस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है इस
में. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है कैन ऑल्सो बी यूज टू सीक्वेंस शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड. तो ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम जो शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के उनके सीक्वेंस को भी उनको भी सीक्वेंस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. एन एप्लीकेशन दैट हैज़ इमर्ज्ड एज एन इनवैल्यूएबल टूल फॉर क्विकली आइडेंटिफाइंग अननोन प्रोटीन. कि कोई भी प्रोटीन है जिसकी हमें जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो उसकी क्या है उसकी मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं. जो सीक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस टेक्निक से जिसको हम टैंडन MS बोलते हैं या फिर MS मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी / मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द प्रोटीन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज फर्स्ट ट्रीटेड विद अ प्रोटीएसेस और केमिकल रिएजेंट टू हाइड्रोलाइज इट टू अ मिक्सचर ऑफ शॉर्टर पेप्टाइड्स. तो ये जो सॉल्यूशन है जिसमें प्रोटीन है ये हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम ये यूज़ करते हैं. पहले हम इसको ट्रीट करते हैं प्रोटीएस से और फिर उसके बाद जो ये केमिकल रिएजेंट होते हैं जो हाइड्रोलाइज करते हैं इस मिक्सचर को किससे शॉर्टर पेप्टाइड से उसे. सो द मिक्सचर इज़ देन इंजेक्टेड इनटू अ डिवाइस. इसके बाद ये जो मिक्सचर होता है इसको हम एक डिवाइस में इंजेक्ट करते हैं जो कि असेंशियली दो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपमीटर होते हैं टेंडन्स के उसमें होता है. फिर इन द फर्स्ट द पेप्टाइड मिक्सचर इज शॉर्टेड. तो जो ये पहला होता है पहले में क्या होता है जो पेप्टाइड मिक्सचर होता है ये शॉर्ट होता है और ये जो आयनाइजेशन फ्रेगमेंट होता है ये क्या होता है मैनिपुलेट होता है और ये क्या करता है एक इसमें से जो टाइप है इसका जो सेवरल टाइप जो है पॉलीपेप्टाइड के वो प्रोड्यूस होते हैं किससे क्लीवेज के जब हम इमर्ज करते हैं क्लीवेज को एक एंड में. तो ये जो सैम्पल हमने सेलेक्ट किया है पेप्टाइड का जिसमें जो हर एक मॉलिक्यूल है उसमें क्या है चार्ज है कहीं ना कहीं उसकी लेंथ में जो देन ट्रैवल्स थ्रू अ वैक्यूम चैम्बर बिटवीन द टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री. इन दिस कोलिजन शेल द पेप्टाइड इज फर्दर फ्रेगमेंटेड बाय हाई एनर्जी इम्पैक्ट विद अ कोलिजन गैस. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नोबल गैस सच एज हीलियम और आर्गन दैट इज ब्लेड इन टू द वैक्यूम चैम्बर. तो ये जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं ये हम कॉलिजन गैसेस के साथ क्या करते हैं इनको वैक्यूम चैम्बर में जो कॉलिजन गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये कॉलिजन गैसेस क्या होती हैं हीलियम जो नोबल गैसेस होती हैं बेसिकली या फिर आर्गन होती हैं. दिस प्रोसीजर इज डिज़ाइन टू फ्रेगमेंट मैनी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल इन द सैम्पल. और ये जो प्रोसीजर होता है ये इस चीज़ के लिए डिज़ाइंड होता है कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं पॉलीपेप्टाइड के सैम्पल में जो कि क्या है जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड है वो ब्रेक हो रहा है एक प्लेस पे ऑन एवरेज में. मोस्ट ब्रेकेज अकर एट पेप्टाइड बॉन्ड्स और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इनमें ब्रेकेज होता है. दिस फ्रेगमेंटेशन डज नॉट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर. और अब ये जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है इसमें किसी भी तरीके का वाटर का एडिशन नहीं होता है जो वैक्यूम है स्पेशली उसमें. सो द प्रोडक्ट्स में इंक्लूड मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल्स सच एज कार्बोनिल रेडिकल्स. तो अब जैसे कि इसमें किसी भी तरीके के वाटर का एडिशन नहीं हो रहा है तो अब ये जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास प्रोडक्ट में क्या होंगे मॉलिक्यूलर आयन्स भी प्रेजेंट होंगे. The charge on original peptide is retained on one of the fragments generated from it. और ये जो charge होता है जो original polypeptide होती है उसमें जो charge होगा वो present होगा किसी एक fragment में generated होगा. जो ये the second mass spectrometry then measure the m upon z ratio of all the charged fragments. तो अब ये जो second mass spectroscopy होगी इसमें हम charge मतलब हर एक fragment का charge क्या करेंगे मेजर करेंगे. जो अनचार्ज फ्रेगमेंट हैं वो यहाँ से डिटेक्ट नहीं होते हैं. ये क्या करता है ये जनरेट करता है एक से ज़्यादा सेट पीक्स के और एक गिवन पीक जो होता है वो कंसिस्ट करता है जितने भी चार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं
उन्हें, और फिर ये क्या करता है, ये जनरेट करता है उसका ब्रेकिंग, जो सेम टाइप के बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग को, फिर बट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द पेप्टाइड, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में एक पेप्टाइड के, एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द बॉन्ड ब्रेकेज, और हर मतलब सेम साइड से बॉन्ड ब्रेकेज के, आइदर द कार्बोक्सिल और द अम्यूनो टर्मिनल साइड, ईच सक्सेसिव पीक इज अ गिवन सेट हैज़ वन लेस अम्यूनो एसिड देन द पीक बिफोर. द डिफरेंस इन मास फ्रॉम पीक टू पीक आइडेंटिफाइज द अम्यूनो एसिड दैट वॉज लॉस्ट इन ईच केस, दस रिवीलिंग द सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड. तो ये जो पीक होती हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो अम्यूनो एसिड का लॉस होता है हर एक केस में, और ये जो सीक्वेंस होता है पेप्टाइड का, ये हम इससे क्या करते हैं, निकालते हैं. द ओनली एम्बिग्यूटीज इन इन्वॉल्व ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन विच हैव द सेम मास. द चार्ज ऑन पेप्टाइड कैन बी रिटेन्ड ऑन आइदर द कार्बोनल और अम्यूनो टर्मिनल फ्रेगमेंट एंड बॉन्ड्स अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन इन द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. तो अब ये जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है, ये होती है विद द रिजल्ट दैट मल्टीपल सेट्स ऑफ पीक आर यूजुअली जनरेटेड. और फिर इससे क्या होता है, मल्टीपल जो सेट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेट्स जो होते हैं पीक्स के, वो जनरेट होते हैं. द टू मोस्ट प्रोमिनेंट सेट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ चार्ज फ्रेगमेंट्स. इनमें से जो दो पीक हैं, मतलब जो दो पीक ऑब्टेन होंगी, उनमें एक वो उनमें क्या होंगे, चार्ज प्रेजेंट होंगे, जो कि डिराइव होते हैं जब ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तब ये चार्ज डिराइव होते हैं. द सेट कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिल टर्मिनल फ्रेगमेंट कैन बी अनएम्बिगुअसली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अम्यूनो टर्मिनल फ्रेगमेंट. यानी कि ये जो कार्बोनिल टर्मिनल वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये अलग होते हैं अम्यूनो टर्मिनल वाले फ्रेगमेंट से, बिकॉज द बॉन्ड ब्रेकेज जनरेट बिटवीन द स्पेक्ट्रोमेट्री इन द कोलिजन शेल डू नॉट यील्ड फुल कार्बोक्सिल एंड अम्यूनो ग्रुप एट द साइट ऑफ द ब्रेकेज. क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं, जो जनरेट होते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री से, इनकी कोलिजन सेल से, ये पूरी तरीके से कार्बोक्सिलिक ही कार्बोक्सिलिक को जनरेट नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ अम्यूनो ग्रुप वाले ब्रेकेज को जनरेट नहीं करेंगे. ये क्या करते हैं, ये दोनों ही को जनरेट करते हैं. यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो कि कार्बोक्सिलिक एंड वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें अम्यूनो ग्रुप क्या होगा, एंड में प्रेजेंट होगा. द ओनली इंटैक्ट अल्फा अम्यूनो एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स आर दोज एट द वेरी एंड. तो ये जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होंगे, इनमें या तो अल्फा अम्यूनो प्रेजेंट होगा, या फिर अल्फा कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट होगा, बट दोनों ही एंड्स में प्रेजेंट होगा. सो द टू सेट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स कैन बी नियर बाई देयर बाई बी आइडेंटिफाइड बाई द रिजल्टिंग स्लाइट डिफरेंस इन मास. तो ये जो दो फ्रेगमेंट्स होते हैं आसपास के, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, जो ये स्लाइट डिफरेंस है मास का, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस डिराइव फ्रॉम वन सेट कैन बी कन्फर्म्ड बाय द अदर. तो ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस हम डिराइव कर रहे हैं एक सेट से, इसे हम दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं. इम्प्रूविंग द कॉन्फिडेंस इन द सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड. ठीक है, इवन अ शॉर्ट सीक्वेंस इज ऑफन इनफ टू परमिट अनएम्बिगुअस एसोसिएशन ऑफ अ प्रोटीन विद इट्स जीन इफ द जीन सीक्वेंस इज नोन. तो अगर हमारे पास शॉर्ट सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो भी क्या करता है, वो भी इनफ होता है, वो परमिट करता है जो इसकी यूनिकनेस होती है एक प्रोटीन की, वो उसे, या फिर जो ये जीन होता है उसकी यूनिकनेस को जीन सीक्वेंस में. सीक्वेंसिंग बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैन नॉट रिप्लेस एडमन डिग्रेडेशन प्रोसीजर. तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस कर रहे हैं, इसको हम एडमन डिग्रेडेशन के प्रोसीजर से रिप्लेस नहीं कर सकते. जैसे जो लॉन्ग लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होती हैं उनके लिए स्पेशली, बट इट इज़ आइडियल फॉर प्रोटियोमिक रिसर्चेस एम्ड एट कैटलॉगिंग द 100 ऑफ सेलुलर प्रोटीन दैट माइट बी सेपरेटेड ऑन अ टू डायमेंशनल जेल.
लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, जो मतलब जो प्रोटियोमिक रिसर्चेज होती हैं उनमें हम इनको सेलुलर प्रोटीन जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इनको टू डायमेंशनल जेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इन द कमिंग डिकेड्स डिटेल्ड जीनोमिक सीक्वेंस डाटा विल बी अवेलेबल फॉर हंड्रेड्स इवेंचुअली थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि ये जो डिटेल्ड जीनोमिक सीक्वेंस है डेटा का, वो हमें अवेलेबल हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। द एबिलिटी टू रैपिडली एसोसिएट प्रोटीन्स विद जीन यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्मिट्री विल ग्रेटली फैसिलिटेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन रिसोर्स। और ये जो एबिलिटी है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम रैपिडली ये जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम जीन्स के साथ जब हम यूज़ कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री को, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फैसिलिटेट होती है इससे, किससे, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन्फॉर्मेशन है रिसोर्सेज की। सो यहाँ पे हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री कंप्लीट हुआ। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्मॉल पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स कैन बी केमिकली सिंथेसाइज। टिल देन कीप रिवाइजिंग।